कैसे कहूँ बिना तेरे। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। तो पहले आपको सबसे पहले वीडियो का प्रीव्यू दिखाई दिया, तो किस टाइप का मैं वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो एडिटिंग का नाम है 3D ऑडियो वर्चुअलाइजेशन वीडियो एडिटिंग इन काइनमास्टर। तो ये मैं काइनमास्टर में ही बताने वाला हूँ। और उससे पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी प्लीज़ कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो की जरूरत पड़ने वाली है, उसके बाद फ़ोटो को डायरेक्ट मैं पिकआर्ट में ओपन करता हूँ और वहाँ क्या करना है मैं वो बताता हूँ। तो चलिए पिकआर्ट को ओपन कर लीजिए आप। तो गैस मैं एक फ़ोटो लिया हूँ, मैं कोई अदर फोटो लिया हूँ एक कार्टून का, और आप अपना भी फ़ोटो डाल सकते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। मैं प्रोजेक्ट बना के रखा हूँ अपना फ़ोटो पर भी, और मैं इस फ़ोटो पे आपको ये ऑडियो का जो साइड में जो चल रही है 3D टाइप के, मैं इसी पर मैं अभी दिखाने वाला हूँ। और मैं दो प्रीव्यू दिखा रहा आपको, मैं अपने फ़ोटो पर भी और एक इस पर भी, तो मैं इसी पर बताने वाला हूँ और इजी वे में। सबसे पहले आप कोई फ़ोटो ऐड कर लें, या खुद की हो या कोई किसी और का भी, तो आप खुद ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ से बीजी रिमूव कर लीजिएगा, जिससे आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाए। तो ये होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं। अगर थोड़ा भी अगर साइड में कुछ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे से हटाना है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, आपको सिंपल सा इसको डायरेक्ट सेव कर लेना है। ठीक है, तो मैं सेव कर लेते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से आपको काइनमास्टर में ओपन कर लेना। जैसा वीडियो साइज रहेगा उसके हिसाब से आप ओपन करिएगा अपना न्यू प्रोजेक्ट। तो वहाँ मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट इसको सेव करने के बाद। तो सेव आपको यहाँ पर से टिक कर लेना, और यहाँ से ये आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा सेव। वैसे सॉरी, यहाँ पर फोटो छोटा हो गया, कोई बात नहीं, मैं फोटो पहले से भी सेव करके रखा हूँ। तो यहाँ पे आपको करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट आपको सेव कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू कर लेता, और मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट में बनाने वाला, तो 9:16 ले लेना है। तो यहाँ से न्यू कर देना, और फोटो जो अभी बिना बैकग्राउंड रिमूव वाला फोटो सबसे पहले ऐड करना है, तो मैं सबसे पहले वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे दो फोटो ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे पहला फोटो ऐड करूँगा मैं यहाँ पे जहाँ पे बैकग्राउंड हो, और जहाँ पे बैकग्राउंड नहीं हो, जिसको कहते हैं PNG फोटो। तो मैं दोनों को सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ, मतलब सॉरी एक ऐड कर ले, एक और ऐड कर लेता उसको भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे मैं PNG जो बना के रखा था उसको भी ऐड कर रहा हूँ, और इसको अच्छे से आपको अथी कर लेना है, मतलब जिसको क्या कहते हैं इसको अच्छे से आपको पीछे जैसा फोटो वैसा सेम टू सेम इसके सेम टू सेम उतार देना, और यहाँ से टिक कर देना। ठीक है, हो जा। तो टिक करने का इसको फिर से छोटा कर लेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अभी कोई बड़ी बात नहीं, अभी इतना ही रहने देते हैं। और इसमें आपको एक मैं वीडियो दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें मैं फ़ोटो दूंगा नहीं, अपने आप अपना फ़ोटो से बनाइएगा तो बेहतर ही रहेगा। तो मैं वो ऐड कर लेता हूँ वीडियो को। तो मैं ये ऐड कर लिया हूँ, और उसके बाद ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर से सिंपल सा क्या कर लेना है, जैसे कि ब्लडिंग में जाना और स्क्रीन कर देना, जिससे वो पीछे का ये मतलब क्या है वो हट जाएगा। और यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पे इसको इसके तरह डाल के, और इसको सबसे पहले आपको ये जो फ़ोटो PNG को इसके ऊपर डाल लेना है। तो ऊपर डालेगा तो वो बैकग्राउंड में चल जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आपको सिंपल सा इस फ़ोटो में सॉरी यहाँ से आपको क्रॉप कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ से क्रॉप कर दीजिएगा, तो आपको देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ये वीडियो कंप्लीट बन ही गया है। और मैं इसको थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपको यहाँ से क्रॉप करिएगा, क्रॉप तो इससे होगा नहीं, क्रॉप कर लिए बाहर चला गया, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसलिए कर रहा था इसमें थोड़ा सा आपको बाहरी चीज़ भी यूज हो रही है ना। अच्छा ठीक है, वैसे कोई बात नहीं। और उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा अपना फ़ोटो के लिए आपको जितना दूर तक वीडियो बनाना चाहते हैं उतना दूर तक बना सकते हैं। उसके बाद आपको अपने हिसाब से अपने सॉन्ग के हिसाब से जो भी सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं यहाँ से अपना ऑडियो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड कर लीजिएगा। और मैं एक और प्रोजेक्ट आपको दिखा देता हूँ, वो मैं 3D टाइप का बनाया हूँ, उसमें दो दो यूज कर रहा हूँ, तो वो भी मैं यूज करने का भी तरीका बता देता हूँ इसे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ तक पहले सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये है, उसके बाद यहाँ से आपको कट कर देना है, इसको भी कट कर लेनी है, अरे हट जा, इसको भी कट कर देना है, हट जा। तो यहाँ पे मैंने कोई अभी ऑडियो नहीं डाला। उसके बाद यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इसको मैं 720 में ही कर लेता हूँ, और यहाँ से सेव कर देना है। चलो सेव भी कर देता हूँ, सेव होने के बाद मैं एक और ट्रिक बताने वाला हूँ भी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेव हो गया। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देना। और एक और चीज़ है, काइन मास्टर में नया अपडेट आ गया, जैसे कि ये फोटो को रिप्लेस करना है। रिप्लेस मतलब कि इसके जगह पे कोई अदर फोटो या वीडियो डाल सकते हो, तो वो जो भी मैं एक्सपोर्ट किया था उसको इसमें सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आपको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको सिर्फ इसको, जैसे ये है ना ऑडियो, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देना है। यहाँ पे जैसे इसको कर लेना हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको थोड़ा बहुत। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा अलग टाइप का, यहाँ पे टू वर्चुअलाइजेशन ऑडियो का ऐड हो गया। और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ से आपको कलर थोड़ा बहुत यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कहीं पर तो होगा कलर चेंजिंग का, ये नहीं है, कहीं पे होगा ही, मैं देख लेता हूँ। कहीं पर तो था, मिल नहीं रहा। इसका कलर चेंज कर सकते लेकिन वो कहाँ गया भाई, मिल रहा। हाँ यहाँ रहा गया, इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये कलर चेंज हो गया, तो आप इस तरह कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ से सेव कर लीजिए और जो भी सॉन्ग आपको अच्छा लगे वो सॉन्ग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये चीज़ आप कहीं